माफिया अतीक अहमद के परिवार पर अब कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार की तीन महिलाओं के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। ये FIR उनके घर पर कुर्की का नोटिस लगाने के बावजूद सरेंडर नहीं करने और न ही पुलिस के पास आने के मामले में दर्ज की गई है। इस मामले में धूमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड केस में फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी, अतीक के साथ मारे गए भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के खिलाफ अब एक और FIR दर्ज की गई है। अतीक के परिवार की तीन महिलाओं के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल तीन फरार नामजद आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इनमें अतीक के करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरमान साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद ही गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान मलिक पर पुलिस की ओर से 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। वहीं शाइस्ता परवीन पर पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम पहले से घोषित है। अतीक के परिवार की महिलाओं और गुर्गों के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। कुर्की का नोटिस जारी किए जाने के बावजूद न तो कोर्ट में सरेंडर किए जाने और न ही पुलिस के पास आने की वजह से ये FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 174A के तहत केस दर्ज कर दिया है और सभी 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य ने ये FIR दर्ज कराई है। इन सभी के खिलाफ 26 जुलाई को कोर्ट से कुर्की के लिए जरूरी धारा 82 की नोटिस हासिल की गई थी। नोटिस को इन सभी आरोपियों के घरों पर चस्पा भी किया गया था। इनके घरों पर डुगडुगी बजाकर मुनादी भी कराई गई थी। एक और FIR दर्ज होने के बाद माफिया अतीक के परिवार की मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। उमेश पाल शूट आउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई है, जबकि बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का नाम पुलिस की जांच में सामने आया था। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस इन सभी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनरों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद का बेटा असद और 3 अन्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। नामजद किए गए अतीक अहमद और अशरफ की भी पुलिस कस्टडी में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।